अमरोहा में रेल हादसा। मुरादाबाद दिल्ली रेलखंड के अमरोहा रेलवे स्टेशन के पास कल्याणपुर रेलवे क्रॉसिंग पर शनिवार शाम मालगाड़ी बेपटरी हो गई। उसके 8 कंटेनर, 2 टैंकर और 6 ट्राली पलट गए। हादसे के कारण अप और डाउन लाइन पर यातायात रोक दिया गया है। 8 ट्रेनों को अलग अलग स्टेशन पर रोका गया है। रेलवे अधिकारी और दुर्घटना राहत ट्रेन मौके पर पहुँच गयी है। अधिकारी हादसे के कारण की जाँच कर रहे हैं। दिल्ली से आ रही सद्भावना एक्सप्रेस चंद सेकंड पहले ही रेलवे क्रॉसिंग से गुजरी थी। उसके निकलते ही अप लाइन पर मालगाड़ी के वैगन पलट गए। यदि कुछ सेकंड पहले मालगाड़ी बेपटरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। गोंडा कचहरी से गाजियाबाद जा रही मालगाड़ी के वैगन शाम करीब 7 बजे अचानक पलट गए। इससे पहले लोग कुछ समझ पाते, 6 ट्राली जिनमें कंटेनर रखे जाते हैं सहित 16 वैगन अप और डाउन लाइन पर पलट गए। दोनों लाइन पर ट्रेन यातायात को रोक दिया गया। मुरादाबाद रेलवे मंडल मुख्यालय पर भी अफरा तफरी मच गई। पहले अमरोहा स्टेशन से अधिकारी मौके पर पहुंचे, इसके बाद मुरादाबाद से भी अधिकारी आ गए। एडीएम साहब बताएं क्या स्थिति है? गाड़ी मालगाड़ी थी जो कंटेनर इस पे थे और ये अमरोहा स्टेशन दिल्ली साइड में 3 किलोमीटर आगे 7:10 पे बीच के डिब्बे 5-6 डिब्बे डिरेल हो गए हैं और इनको पलट गए हैं और अगले जो ड्राइवर वाले डिब्बे थे वो 4 डिब्बे सुरक्षित आगे उस पर लाइन पर ही स्टे भी और अभी रेलवे वाले आ गए हैं। पुलिस प्रशासन थोड़ा यहीं पर है और अभी कोई कहाँ ज्ञात नहीं हो पा रहा है। कोई जनहानि नहीं हुई है, ड्राइवर सुरक्षित है, कोई इस तरह की बात नहीं है, परंतु इसको वो करने का संपर्क किया देने वाले कितना है। मालगाड़ी किस कारण बेपटरी हुई है ये कुछ अभी जानकारी हुई? ये अभी जांच का बिंदु है, अभी कुछ नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि वो पूरा डिब्बे बिखरे हुए हैं तो लाइन के ऊपर है। जब तक लाइन नहीं दिखाई दे तो पता नहीं। क्या लखनऊ में दोनों जो ट्रैक है दोनों बाधित हो चुके हैं? फिलहाल दोनों ट्रैक बाधित है। रेल वालों से बात चल रही है, अब देखते हैं कितना टाइम से लगे। कौन कौन सी ट्रेन यहाँ पर बचाव कार्य करने आ रही है? हमारे पास रेलवे के अधिकारी आ चुके हैं, हमारे पूरी पुलिस सीओ साहब सब यहीं पे सभी एसडीओ साहब मैं सम भी हूँ और सभी लगे हुए हैं। जल्दी जल्दी इसको बढ़ा दूर करते हैं, इसको लाइन हादसे की वजह क्या है? मतलब क्या अभी कोई था कोई रेलवे का बड़े बड़ा अधिकारी पूछा है? अधिकारी पूछे हैं, अभी बात कर रहे हैं से, मैं बात कर रहा हूँ अभी, आपको अपडेट देंगे थोड़ी देर। सर ये कब की घटना है? सर 7:10 सर दोबारा बताइए। रेलवे साइड पर अभी पहुंचे हैं और हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम लोग ट्रैफिक रिस्टोर करना हमारी प्रायोरिटी है, बाकी और चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सर अब तक क्या सामने आया है? अभी तक मैं इस बारे में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है ट्रैफिक को रिस्टोर करना, ट्रैफिक रिस्टोर करने के बाद ही हम इन विषयों पर बात करेंगे। सर अब कोई हानि है कुछ इस तरीके की किसी प्रकार की कौन सी गाड़ी थी? देखिए ऐसा है कि बिना किसी पुख्ता सबूत पुख्ता इंक्वायरी के इस तरह के रिलेवेंट में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। थैंक यू सो मच। ठीक है। हादसे का कारण स्पष्ट नहीं। हादसे के कारण के बारे में अधिकारी अभी कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। रेलवे अधिकारी फिलहाल डाउन लाइन को क्लियर कराने में जुटे हैं ताकि ट्रेनों का यातायात सुचारू कराया जा सके। इसमें 3-4 घंटे लगने की संभावना है। अप और डाउन लाइन की 8 ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर रोक दिया गया है। ट्रेनों को रूट बदलकर चलाने के बारे में विचार किया जा रहा है। प्रभावित हुई गाड़ियां मुरादाबाद दिल्ली पैसेंजर, बरेली दिल्ली पैसेंजर, पद्मावत एक्सप्रेस, बरेली इंटरसिटी एक्सप्रेस, सत्याग्रह एक्सप्रेस, मालदा टाउन एक्सप्रेस, अयोध्या एक्सप्रेस, सुहेल देव एक्सप्रेस, लखनऊ मेल, रानीखेत एक्सप्रेस प्रभावित हुई है। वहीं दिल्ली मुरादाबाद पैसेंजर और नई दिल्ली बरेली पैसेंजर रद्द कर दी गई है। दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ की ओर जाने वाली ट्रेनों को गाजियाबाद, अलीगढ़, कानपुर होकर चलाया जा रहा है। जिन ट्रेनों का रूट बदल कर चलाए जाने की घोषणा की गई है उनमें अयोध्या एक्सप्रेस, लखनऊ मेल, लखनऊ एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, सुहेलदेव एक्सप्रेस, पद्मावत एक्सप्रेस, सत्याग्रह एक्सप्रेस शामिल हैं।